ये देखो यहाँ पे रॉटवाइलर है, व्हाट इज नेम, नाम क्या है? पोतरी। नो पगो, इधर ही बैठेंगे ऐसे। देखो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और उठते ही मेरा काम होता है उससे पहले एडिटिंग खत्म करना और पग्गू को जकड़ लेना है क्योंकि यहाँ से जाना पाए ना। आता है मेरे भोक्ता चले आता है, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। ये भगवान जी के पास रखना है। हाँ, मंदिर पे लगाना है, ये सुरक्षा कवच चाहिए का। अच्छा, ये मतलब हर मुखी का है? हाँ, जो सब है, पंचमुखी, दो मुखी, सब मैंने वीडियो में दिखाया था ना। रुद्राक्ष की माला पापा के लिए और एक माले का ब्रेसलेट बन जाएगा, दो बन जाएगा। तू भी ले लियो फिर एक बार ना। तू कहाँ गया था? केदारनाथ। इतने बड़े, हाँ, इतना ही बड़ा बड़ा का माला है, एक और है नीचे रखा हुआ। रख के रख देता है पेन, हमेशा पेन पता है ना, रुद्राक्ष का माला पहनना है ना, नहीं झूठ बोलना है, नहीं दारू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीना रहता है इसमें। अबे तो वो तो तू समझना, तो तू ब्रेसलेट पहनेगी तो तुझे दारू नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, मेरे को मत बोलिए। सुनो, ठीक है, रहने दे। मैं कुछ नहीं पीती हूँ, अबे मैं पहन सकती हूँ। सुनो, अगर 500 दो को बंडल पीती है तू, मुझे सब पता है, दिखा दू पब्लिक को। लाइटर रखती है और छुपा के दिखाऊं? अरे पब्लिक को बना रहा है। तारा बीड़ी पीती है तू? लाइटर किसका, मुझे पता है। ये देख, मैंने पहन रखा है ना ये। गलत काम नहीं करना है इसको पीने के बाद, ऐसे नहीं कि पी लिए सब काम कर रहा है, गले में माला है, नहीं पहनना है उसका जो सिस्टम है वो करना है। इसमें मैं क्यों नहीं खाने बोल रही मुझे? हाँ, क्या इतना बड़ा तेरा, इससे भी बड़ा तेरा पेट है, इतना इसमें चलेगा? अबे यार, जेल वाला खाना खिलाएगी क्या मुझे ऐसे? तेरे बारे में तो तुझे पता है, को दिए खाना तो नौटी का बर्तन छोड़ के आ गया ना पटना। गांव में गाय भैंसों को देते हैं इसमें खाना, मिक्सर के घोड़े को देते हैं। फिर गाय भैंस कम है इसमें नहीं क्योंकि अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कितने लोगों ने ट्रिप की वीडियोस देखी है। जो नौड़ी का बर्तन है ना ये वाला, वो हर जगह छूटता गया, ठीक है। तो नौड़ी को मेरे वाले बर्तन में खाने जा रहा है और देखो खा ले। जैसे मैं तो देखता ना ऐसे मेरी फुट जाती है। नहीं, मुझे फिर प्लेट पे दे दे यार। तो यार देखो, आज ना संडे का दिन है, ठीक है, और आज के दिन यार मतलब द्वारका में जहाँ अपन रहते हैं इधर ही यार एक डॉग शो, अब मुझे नहीं पता, देखो मैंने उस डॉग शो का नाम कभी सुना नहीं है, मैंने बस एड देखी रोड पे, मैं चलो चलते हैं यार, जरा अपने पग्गू को ले चलते हैं आज। नॉर्डी तो भाई पूरा समझ लो नेपाल तक घूम के आया है, इसको तो समझ लो एक महीने तक का तो उसका कोटा हो गया है, ठीक है। पग्गू को लेके चलते हैं एंड मुझे भी नहीं पता कि वो डॉग शो कितना क्या बड़ा कैसा होने वाला है, बस इतना उम्मीद है कि यार चलो टिकट बुक हो गई है, चल के देखते हैं। जैसे भी तुम्हें दिखाएंगे कैसे टाइप के डॉग्स आएंगे भाई, मज़ा तो तुम जानते हो आना है ही है ना। बाकी मम्मी ने मुझे पहले बोल दिया है कि मेरे बच्चों को एकदम बढ़िया से लेके आ जाइयो। हैं तेरा बच्चा है यार, हम क्या सोतेले हैं अम्मी, बता दे आज तो बोल दे सच, नहीं मैं जानना चाहता हूँ पब्लिक के सामने बोल दे, हम सोतेले हैं ना मतलब। Yes, चलो भाई नौड़ी को बोलते हैं बाय। नौड़ी बेटा मिलते हैं, ठीक है। पग्गू नौड़ी दोनों ने सुसु कर लिया, नौड़ी को मैंने भी सुसु दस कराया है, पग्गू ने भी अपना कर लिया है मूत्र विसर्जन, और पग्गू को रखेंगे हम पीछे, रखूं आगे? आगे बहुत दिक्कत होता है, पीछे एक बार पीछे रख के देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं जाएगा, ये भी घुमक्कड़ कुत्ता है मेरा, दोनों कुत्ते घुमक्कड़ भाई। देख लो, दो कल्चर है जिसको हम अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उन दो में है, एक अपना डॉग्स कल्चर और दूसरा अपना मॉडिफाइड कार्स कल्चर, ठीक है। और देखो भाई, मुझे लगता है ये लॉन्ग ट्रिप के लिए ना मतलब नहीं कर पाएगा, हाँ, क्योंकि इसको वैसे ही, इन तुम जानते हो पग ब्रीड को यार सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है और कितना आवाज़ कर रहा है, मतलब पानी इसको पिला के लाया मैं तभी मैं नॉडी को ले गया था, इसलिए मुझे पता था कि यार ये नहीं कर पाएगा। पर सर ये ना गाड़ी बहुत उछलता कूदता भी है, ये एक जगह स्टिक नहीं रहता, तुम देखा पीछे नहीं बैठता, ये घूम फिर के आगे आ जाएगा, और तुम जानते हो ड्राइविंग का अगर दिक्कत करे तो कितना गलत है ये, है ना। अभी देखो ये पीछे गया और मैं देख रहा हूँ यार, जो अपनी मैं एक डॉग का वो सीट बेल्ट लेके नहीं आया था, तो मैं नॉडी की पूरे ट्रिप पर जानता हूँ मैं यूज़ नहीं हुआ वो, बस अपना सीट कवर से काम चल गया तो मैंने यहाँ पे लगाया था, लेकिन मुझे लगता है वो सीट बेल्ट ना पक्कू के जरूर काम में आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा इसको आगे आना है, अभी नहीं पग्गू, जैसे वो सीट बेल्ट मैं यहाँ से लगाऊंगा और यहाँ पे स्टिक ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है, ना ज्यादा टाइट, इतना कि इसको दिक्कत हो, इतना कि हाँ यार आराम से बैठिए और कंफर्टेबली हम भी कंफर्टेबल चला पाए, ये भी कंफर्टेबल बैठ के एंजॉय करे वैसा। तो यार ये देखो, ये पग्गू अपना तैयार हो गया है चलने के लिए एंड यहाँ से अपनी एंट्री है इधर से, एंड तुम देख लो गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही थी यार, शायद से पहला शो हो रहा है इनका, पर मैं देख रहा अच्छा खासा भीड़ तो आ रखी है भाई, है ना। और देख लो वहाँ भी बंदे ने पार्क कर रखा है, एंड मेरे सामने जो ऑटो है उसके अंदर जर्मन शेफर्ड है, वो भी निकलेगा अभी तो मिलाएंगे, पर थोड़ा हम बड़े कुत्तों से दूर रखेंगे यार इसको। अब देखते हैं यहाँ पे देखो ये सब डॉग्स आ रही हैं एंड ये कुछ शो भी हो रहा है और वो अपना जर्मन शेफर्ड है तो बता रहा है, आओ देखते हैं क्या क्या कॉम्पिटिशन है। और बाकी कुराल भाई आज हमारे डॉग वॉकर है, ठीक है भाई, आपको पता नहीं है डॉग वॉकर की प्रॉपर एक पोस्ट आ गई है, अगर आप
आपको जुर्म और पैसे कमाने हैं, डॉग वॉकर बनो, लोगों के घर घर जाओ, कुत्ते घुमाओ। भाई इतना पैसा है ना इस फील्ड में, मैं बता रहा हूँ बहुत पैसा है, तुम लोग कर सकते हो पार्ट टाइम में। छोटा कुत्ते को घुमा भी रहा हूँ, बड़े से कहाँ कर रहा हूँ। और यहाँ देखो अपने पास जर्मन हस्की, इसने अपना अपना वही पकड़ लिया है। ये देखो यहाँ पे रॉटवाइलर है, और इस नेम नाम क्या है पोते। नो 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 भाई, फट जाती तो कुत्ते से लड़ते है ना। रेक्स आओ, और देखो उधर गोल्डन रिट्रीवर है, यहाँ पे अपने होस्ट भाई है, यहाँ पे लैब्रा, लैब्रा गोल्डन रिट्रीवर तो काफी है। इधर देखो चलो, बहुत तेज आवाज नहीं है इसके माइक की, छुप रही है यार लिटरली, थोड़ा धीरे भी हो सकता है, हम ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, हमारा कंटेंट है आज का। ये देखो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और ना मेरे को नॉडी के लेना है बॉल, तुम जानते हो छूट नहीं किया था, तो वो नया अपने को लेना है, वो भी लूंगा यहाँ से, और सब कुछ है। तुम देखते रहो आगे, अपना शेड जू वगैरह भी है, तो ये कुछ डॉग शो है जो शायद फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ओके ओके, थोड़ा सा प्रेसर किनारियो टाइप लग रहा है, एक ब्रीड होती है प्रेसर किनारियो, नहीं बट अच्छा, पर काफी सही ये शेड जो है ना काफी यूनिक है। नो नो नो, बात कर रहे हैं दूसरे से, वो भाग नहीं रहा, वो बात कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, पर पप्पू इंटरेस्टेड नहीं है। ये देखो यहाँ पे आई थिंक लैब्रा है, ये लैब्रा है ओके, काफी अच्छे शेड में है लैब्रा, यूनिक रेयर होती है ये वाली शेड ना इसका। ये मुझे मम्मी को ले चलो भाई, क्या ड्रेस में ना, ये देखो भाई देख रहे हो। अब नाम क्या है इसका? टोक्यो। टोक्यो वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है टोक्यो आपका, लिटरली अच्छा टोक्यो, पर आपके पैशन को सच में यार सल्यूट है, कितनी प्यारी लग रही है टोक्यो। अच्छा आप मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड? नो अच्छा ओके, हाँ देखो शायद से ये फ्रेंच बुलडॉग है, ठीक है, जो कि मजे कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं ये बोलूंगा कि यार देखो तुम लोग भी कुछ कुछ कल्चर्स ना पकड़ लो जो सपोर्ट करते रहो। एक्चुअल में क्या है यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, गाड़ी में तब तक एसी चल रहा था, पर अब हमने निकाल दिया जैकेट है ना, अब इसको ऐसे घुमाएंगे। पर तुम्हें याद होगा एक बार मैंने ये डॉग वाला पिज्जा भी मंगाया था, ये डॉग पिज्जा है ना, हाँ मैंने एक बार मंगाया था, ये बहुत सही, मतलब यहाँ पे मैं तुम देख लो चाइन इन चैन, कुछ यूनिक सा नाम है, इधर टॉयज से लेकर सब कुछ है। कितने का ये? अलग सा बॉल नहीं है है ना, पग्गू नाम है इसका। देखो अपना पग्गू कितना फ्रेंडली है, देख रहे हो, सामान लेते हैं फिर तुमसे गाड़ी मिलते हैं, क्योंकि इतना ही था अपना डॉग शो। मैं यहाँ पे ना ये एक चीज देख रहा हूँ, नहीं तुम देख लो द फर्स्ट ट्रूली स्मार्ट पेट सिटिंग रोबोट। आप अगर एज अ पेट ओनर आप घर पर नहीं, आपको कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है और आप डॉग को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो ये उसका एंगेज रखेगा, मतलब जैसे सेपरेशन एंग्जाइटी होती है पेट को, हाँ बहुत होती है, जैसे आप घर के बाहर हो तो आप कभी भी देख सकते हो कि आपका पेट क्या कर रहा है। ओके तो जरा एक दिखाओ, अच्छा ये देखो ये ट्रीट्स भी फेंकता है ऐसे, बहुत सही, एंड डॉग के साथ खेलता रहेगा, उसे इंगेज रखेगा, साथ में कैमरा भी लगा हुआ है, बहुत सही। ये कितने का आपका रोबोट है? इन इंडिया इट वुड बी अराउंड 16,000 एंड यहाँ पे ये डॉग है जो भी जस्ट किसी को बाइट करने वाला था, थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन क्या लग रहा है तुम्हें देख के? मुझे लग रहा है ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, तुम जरा बताओ। मेरा ना एक सजेशन है पेटोमेनिया से, ठीक है आप उनको बताना जिसने ऑर्गेनाइज कराया है। ये जो माइक की जो आवाज है, स्पीकर जो निकलती है, साउंड वो कम हो सकती है, बहुत तेज है, जानवरों के लिए भी दिक्कत है, हम जो लोग बना रहे हैं हमारे लिए भी दिक्कत है, हमारी आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है बस। और सब तो ठीक था ना? बाकी सब ठीक था, हाँ मास्टर बटन। चलो भाई फाइनली छोटा सा, अरे 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 बस बस ठीक है पगू, ठीक 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 ओके। पानी है क्या यहाँ पे भाई? मुझे लग रहा है प्यास लग रही होगी थोड़ी। पगू ले पानी पी ले, ले पी ले, देखो बस हो गया, पी लो पी ले, गुड। एंड मैंने ये बॉल जो है ये मैंने नॉडी के लिया, तुम जानते ही हो ये मेरे को 550 के आसपास का पड़ा है, एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे एक जस्ट लाइक हैंग, ये क्या बोलते हैं जो अपने गले में पहन सकते हैं ना, स्टाइल के लिए होता है ना, पट्टा बोल लो आप, जस्ट लुक के लिए होता है, वैसा वाला है ये। यार क्या क्या बोलूँ मैं तुम्हें यार, मैं पटना गया नॉडी का बॉल छोड़ाया, अभी हम डॉग शो गए पग्गू के जो जैकेट था मैं वो छोड़ाया, और भाई मुझे पता है इतना बुरा क्यों लग रहा है, चलो जैकेट ही है वापस भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी घर जाऊंगा ना तो तुम जानते हो मम्मी किस तरीके से ट्रीट करने वाली है, फिर
मम्मी मामला 35 कर दी और इनको देखो क्या पहन के आए हैं, बढ़िया लग रहे हो, तुमने मेरा मूड शांत करा दिया, मैं गुस्से में था। वैसे अपने को वापस ना उधर से निकलना है तो शायद जाते वक्त देख लेंगे, है ना, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, एक बार ट्राई जरूर कर लेंगे जाके। इसका पर जैकेट छूट गया उधर ही, मैं भी निकलूंगा ना उस तरह से तो शायद देखते हुए चले जाऊंगा। खोला क्यों था बता दे। अरे गर्मी लग रही थी इसे यार। इसको मैं कहीं नहीं जाते सके कि कपड़ा मत पहना, कपड़ा का टाइम नहीं है, बोला कि हाथ पहना दे। हाँ मैं बस स्टेप बनाया क्योंकि डॉग शो था, मुझे लगा चलो कपड़े पहन जाएगा तो सुंदर लगेगा। हम अभी सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के इधर है द्वारका में और भाई अपने को मिले हैं। लाइक करता है, थैंक यू भाई। मेन क्या है, एक वक्त पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक किताब ली थी, मैंने कहा था यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो आ रही भाई, गलत बात है। तो पता है मेरे चैनल का फिर अपन क्या करते हैं, अपने चैनल पे फुल गलत करते हैं हम, क्यों गायब कहां हो गए ना, नंबर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो भाई सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन सामने है, इसके इधर ही तुम्हें दिख रहा है वहां पे भाई की किताब की पूरी एक समझ लो शॉप है, ठीक है, और भाई से हम बहुत जल्दी या आज या कल में आएंगे एनिमे लेने, ठीक है, सॉरी है, बस एनिमे लेने आएंगे और कोई सी भी किताब लेने आऊंगा पर मुफ्त में, याद रखना। भाई ये बताओ भूत वाला बंगला कौन सा था, कुछ भूत वाली वीडियो नहीं थी तो कह रहे भाई सेक्टर 9 था वो, तो बहुत पहले की बात बोल रहे हैं यार। अच्छा आप लास्ट टाइम वहां पे गए थे, क्या बोलते हो, जानवर लेने के लिए, जानवर है ना, अभी मैं नेपाल में मार के आया हूं भाई, तो ऑर्डर भी नहीं भाई, एक से गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी एकन की एक वाली। कौन सी मेरी गलती की बात कर रहे हो यार, देखो हम ना कापसेड़ा के दर से निकल गए हैं, अब तुम जानते हो कल भी हम सेम रस्तों से गए थे, एंड मैं ना एक चीज देखी भाई, यहाँ से निकलते ही अब देखना सामने अपने एम्बियंस मॉल है, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई गाड़ियाँ इस तरीके से खुलते ना, ऐसा लगता है वो भेड़ बकरी को नहीं खोलते कि जाओ चारा खाओ। वैसा होने वाला तुम देखना, यहाँ पे रोड पतली है, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सीलरेट करूंगा, अब तुम देखो यहाँ पे पूरी रोड खुल जाती है और अपनी अपनी लेन पकड़ लो, ऐसा लगता है रेस चल रही है, आगे निकलना है जब से, लेकिन उस बहकावे में आना, कोई रेस नहीं है, ठीक है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, इसलिए अपन सेफली चलेंगे, पर यहाँ पे कैसे पहुंचते भाई एक मजा तो आता है, पता लग जाता है कि गुड़गांव की स्टार्टिंग हो गई है। और मेरे सामने तुम देखो यहाँ पे ये जीप रैंगलर है, गुड़गांव में एंट्री करती है भाई, इतनी सारी अलग अलग गाड़ियां दिख जाती है ना, गुड़गांव वालों में बहुत पैसा है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैं मिहिरगंज के लिए गाड़ियां कैसे पकड़ता हूँ, देखो बहुत सारे तरीके हैं पर मैं बहुत बार रोड से भी पकड़ लेता हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाया सड़क पर मुझे जीप रूपकोन दिखी, मैंने यही पे भाई का नंबर ले रहा हूँ मैं, और फिर कुछ दिनों में वीडियो भी आ जाएगी। तो ये कुछ तरीका होता है अगर तुम्हें मॉडिफाइड कार्स या कार्स रिव्यू करते हो, तुम मेहनत 24 घंटे चलती है, फिर गाड़ी कोई देखी अगर बंदा इंटरेस्टेड है तो रोक लेगा, भाई से नंबर ले रहे हैं और फिर अपन जीप रूबिकॉन प्रॉपर जीप रैंगलर का वीडियो बनाएंगे, ठीक है भाई। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जाम हटाया, ठीक है, थैंक यू भाई। भाई की गाड़ी पीछे लग भी गई थी थोड़ी, अब चलो यहाँ से हम गाड़ी पार्क करेंगे और हमें भाई आज एक बंदे का भूत उतारना है, समझ गए ना भाई। ओए कौन बोल रहा है तू, सेक्टर 62 ठाणे से बोल रहा हूँ, कौन है भाई? फुकरा बोल रहा है तू पुलिस वाले को, ए, कौन है तू, रजौरी गार्डन का है ना, अभी आ रहा हूँ तेरे घर के भीतर आ रहा हूँ। ये देख लो भाई, ये वेस्ट दिल्ली के खचरे हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं है, उत्तम नगर के खचरे। भाई तो मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड है, कैसे कुछ सोच के आया था कहीं, कॉल करेगा मैं वीडियो बनाऊंगा, बेइज्जती करेगा मेरी। चलो भाई उससे एक वक्त तो भाई गुड़गम्मा वाली भाषा ही आती है, ठीक है तमीज है। विजाड़ गुजर कौन बन रहा है बताइए, बोलते बल्ले बल्ले तू वही बोल बस। क्रिकेट में पत्ते चलते हैं अपने और अपन अभी ब्लाइंड खेल रहे हैं भाई, कितने की चली चाल? 8192 पैसे किसको दे रहे हैं, नहीं भाई कुछ काम भी है क्या आशीष भाई, पत्ते खेल लो, 1,00,000 रुपए लग गए, 1,00,000 रुपए हमें कौन से पैसे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है और क्या। ये भाई मैंने शो कर दिए, गए और ये देखो क्वीन 6 जोकर शो कर दो भाई, अब बाहर में आए अभी कलर पेटी दो, पेटियां दो। चलो यार अब वक्त हो गया निकलने का भाई, टाइम कितना हो रहा है, ओह एक मिनट, ये एप्पल वॉच कहाँ से लाओ, जुबे पैसे मैं भी जीता हूँ अभी, छीन ली मैंने। चलो ठीक है अब वक्त यहाँ से निकलने का। मानसू भाई कितने पैसे जीते? 2,00,000 आए कुछ भी नहीं, पेटीएम नहीं किया बाकी में। हाँ कर्ण भाई आपने कितने जीते? कौन दे रहे हैं पैसे जल्दी बताओ। कोई नहीं दे रहा भाई, 10 करोड़ भाई। हेलो हेलो हाउ आर यू,
यू फ्रॉम गुड़गांव? या आई एम ब्लॉगर। पता नहीं क्या क्या बोल गए भाई अपनी भाषा में। गाली दे रहे होंगे और क्या कहेंगे। अब भाई अपनी भाषा में गाली दे रहे हैं। मैंने अगर अपनी बिहारी भाषा में गाली दे दी ना इनको, लेकिन नहीं, हम भाई अच्छे घर से आते हैं है ना, इसलिए वीडियो ऑफ में गाली देंगे। मिलते हैं गुड़गांव के ना। सबसे ज्यादा मुझे पता है अंडर पास पसंद है भाई। सामने दिखाओ एक बार, क्या सही अंडर पास हो बताओ। अगर मॉडिफाइड गाड़ी है ना, एग्जॉस्ट लगाते हुए चलो, अलग ही स्वाद आता है भाई। मेरे सामने ये गाड़ी देखो, मर्सिडीज की GLC 300, क्या प्यारी गाड़ी लग रही है यार। ये अपने एरिया में दुकान है, ठीक है। और अंकल जी से मोमोज लेते हैं, एंड अंकल जी मोमोज 2 प्लेट चिकन मोमोज। और अंकल जी हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि चटनी कितनी पैक करनी है, अंकल को पता है। म्यूनिस के शौकीन है अपन, म्यूनिस और लाल चटनी के। पब्लिक गलत बोलने की जरूरत नहीं है, पब्लिक गलत बोले थे भाई। म्यूनिस अच्छा, व्हाइट चटनी के शौकीन है बच्चों। ये नया चालू किया आपने तो भाई, ये अपना फिर टेस्टिंग मटेरियल है भाई। हमसे टेस्ट कराते रहते हैं, आप बताओ कैसा है भाई। भाई पहले आप टेस्ट करो, गर्म बहुत है, जरा देखते हैं। ये है क्या? चीज बॉल सही है? अच्छा नहीं, जेन्युइन बताओ भाई, जेन्युइन चीज है इसमें। अच्छा खासा चटनी खत्म, मजा आ जाएगा इसमें। एक बार जरा भाई पकड़ना, ट्राई करें। चीज कम है ना? मुझे लग रहा है चीज कम है इसमें, लेकिन हाँ स्वाद सही है। ये नए टाइप के बर्तन अम्मी, कुत्ते वाला, ये नई टाइप का है, डॉग शो से लिया है। बड़ा लाना चाहिए था ना, तो इसको ट्राई तो कर, अगर नहीं हुआ तो नया ले लेंगे फिर। सही है यार, बड़ा कुत्ता है, इसको बड़ा ज्यादा खाना चाहिए था। हट जाएगा इसमें यार, ये टॉय है, टॉय और साथ में पीनट बटर दियो इसको। यार अब वीडियो को पे एंड करता हूँ यार। देखो अब मैं यहाँ पे अपना मोमोज खाऊंगा जो मोमोज लिया था, और खाना खाने का वक्त है, सोएंगे। पर तुमसे मिलते हैं अपन कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने हिसाब से, और डेली हम तुम्हें ऐसी इतनी जिंदगी दिखाते रहेंगे। तुम्हें क्या सपोर्ट दिखाना है, ट्रैवल करेंगे, बस तुम लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओ यार सब वॉइस चैनल पर, ठीक है। और चलो वीडियो पे एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना प्यार से। बाकी चलो तुमसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में,